हेलो फ्रेंड्स सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन यहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन में हमने प्रीवियस क्लास में जाना था आज के क्लास में हम मेनली कौन सी कौन सी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाई इज़ मल्टीकल्चरल एजुकेशन एसेंशियल किस वजह से मल्टीकल्चरल एजुकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है फिर देखेंगे गोल्स ऑफ मल्टीकल्चरल कल्चरल एजुकेशन स्ट्रेटेजीज ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन और आखिर में देखेंगे अप्रोचेस टू मल्टी कल्चरल एजुकेशन तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम पहले देखते हैं वाई इज मल्टीकल्चरल एजुकेशन एसेंशियल मल्टीकल्चरल एजुकेशन आजकल के टाइम पे इतना ज्यादा प्रायोरिटी क्यों रखता है ये एसेंशियल क्यों है मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा हम मेनली एकेडमिक एक्सीलेंस और इक्विटी को पा सकते हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस करें और हर किसी में समानता हो ये सारे चीज़ें हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा ही पा सकते हैं यहाँ पर हमारे मल्टी एथनिक सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए हमारा ये इंटर डिपेंडेंट वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के लिए मल्टीकल्चरल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे इस वर्ल्ड में कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए भी मल्टी कल्चरल एजुकेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि ये सारे कल्चर के बीच में एक दूसरे को टॉलरेट करना एक दूसरे को समझना ये सारी चीज़ें प्रोमोट करता है मल्टी कल्चरल एजुकेशन यहाँ पर अगर हम थोड़ा स्पेसिफिकली देखने की कोशिश करें कि मल्टी कल्चरल एजुकेशन इतना ज़रूरी क्यों है तो यहाँ पर ये मेनली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन लाता है यानी कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम में इक्विटी का कॉन्सेप्ट ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन से ही हमारा आता है ये इन्श्योर करता है कि हमारे हमको हर किसी को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले यानी कि हर किसी को समान अधिकार मिले एजुकेशनल फील्ड में ताकि हर बच्चा अपना फुल पोटेंशियल दे सके और अपनी कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए फुल फुल्ली अपना योगदान दे सके यहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन और किस किस वजह से इम्पॉर्टेंट है ये हम थोड़ा जानते हैं मल्टीकल्चरल एजुकेशन हमारा कल्चरल एसिमिलेशन और कल्चरल सेपरेशन के बीच में एक बैलेंस करता है कल्चरल एसिमिलेशन यानी कि बहुत सारे कल्चरों को एक जगह पर मिल जाना और कल्चरल सेपरेशन यानी कि अलग अलग कल्चर सेपरेटली रहना ये दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है ताकि सारे कल्चर अपना अपना आइडेंटिटी बजाय रख सके और सोसाइटी में चल सके मल्टी कल्चरल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमको जहाँ पर हमारा जो कॉमन कॉन्सर्न है इसको आर्टिकुलेट किया जा सके यानी कि हमारे जो वर्ल्ड के कॉमन कंसर्न्स, कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पॉवर्टी ओवर पॉपुलेशन न्यूक्लियर आर्म्स फेमाइन हंगर एड्स ये सारे जो कॉमन कॉन्सर्नस है सारे वर्ल्ड का ये सारे चीज़ों को हम एड्रेस कर सके और ये सारे चीज़ों को हम कम कर सके मल्टी कल्चरल एजुकेशन हमें ये सारे कॉन्सर्न को फुलफिल करने में यानी कि इनको कम करने में हमारी मदद करता है मल्टीकल्चरल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है जहां पर हम एक दूसरे की वैल्यूज को समझ सकते हैं और जो भी हमारे सोसाइटी में बेरियर्स है उसको ओवरकम कर सके ये सारे चीज़ें प्रॉब्लम्स हम ओवरकम करके हम एक डेमोक्रेटिक वैल्यू क्रिएट कर सके हमारे सोसाइटी में ताकि हम सोसाइटी में इक्वलिटी और इक्विटी दोनों को बजाय रखते हुए हम चल सकें अब देखते हैं गोल ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन मल्टीकल्चरल एजुकेशन का गोल क्या है वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन में अटेन करना चाहते हैं अचीव करना चाहते हैं लेकिन इसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम मल्टी कल्चरल एजुकेशन के द्वारा स्ट्रेंथ एंड वैल्यू ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोमोट करते हैं हमारा सोसाइटी में जो ये कल्चरल डाइवर्सिटी है बहुत सारे कल्चर है ये सारे चीज़ों को हम स्ट्रेंथ देते हैं और हर कल्चर को हम वैल्यू प्रोवाइड करना की कोशिश करते हैं मल्टी कल्चरल एजुकेशन के द्वारा हम ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं और हर किसी को अपने कल्चर के बेसिस पे हो लैंग्वेज के बेसिस पे हो हर किसी चीज के बेसिस पे हम उनको उनको अपना रेस्पेक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा हम एक ऐसी तरीके का नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे हिस्ट्री और सोशल रियलिटी को समझ सके हमारे सोसाइटी के रियलिटी को समझ सके ताकि हम रेसिज्म, सेक्सिज्म और पोवर्टी जैसे जो प्रॉब्लम्स है ये सारे प्रॉब्लम्स हम ओवरकम कर सकें यहाँ पर हमारा ऑल्टरनेटिव लाइफ चॉइस के ऊपर भी तवज्जो दी जाती है यानी कि हम जिस कल्चर में बड़े हुए हैं उसको ही हमें मानना होगा उसी कल्चर के हिसाब से हमें अपना काम करना होगा ऐसा नहीं है यहां पर ऑल्टरनेटिव लाइफ चॉइसेस की भी बात की जाती है कि आप कोई भी अपना लाइफ लाइफ का गोल चूज करते हो आप कोई भी जॉब कर सकते हो यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात की जाती है और लोगों में इक्वेलिटी की भी बात की जाती है और मल्टीकल्चरल एजुकेशन में हम इक्विटी को प्रमोट करते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हमें मदद करता है और यहाँ पर लोगों के बीच में इनकम को भी डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है यानी कि यानी इसका और एक पर्पस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर एंड इनकम एमउ ग्रुप्स हर ग्रुप को इक्वली पावर मिले हर ग्रुप को इक्वली पैसा मिले ये सारे चीज़ें भी देखी जाती है मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा मल्टीकल्चरल एजुकेशन का गोल इतना वास्ट है कि ये हमारे पूरा वर्ल्ड के हिसाब से गोल्स तैयार होते हैं ताकि हमारा पूरा जो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ये ये इकट्ठा होकर रह सके और अपने जो गोल्स है वो अचीव कर सके अब देखते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं जो यूज़ करके हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन अचीव कर सकते हैं इनमें से कुछ हम देखते हैं यहाँ पर पहला है सेंसिटिविटी एंड क्रिटिकलिटी फॉर मल्टीकल्चरल कॉन्टेंट इन द टेक्स्ट बुक यानी कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो भी कंटेंट हम तैयार करेंगे वो सेंसिटिव और क्रिटिकल होने चाहिए हमारे मल्टी कल्चरल एजुकेशन के हिसाब से हमारा जो इतने सारे कल्चर है हमारे वर्ल्ड में हमारे सोसाइटी में इन सारे कल्चर्स को दिमाग में रखते हुए ही हमें अपना टेक्स्ट बुक बनाना है इसका जो कंटेंट होगा ये नॉर्मली लॉजिकल कंटेंट होगा और ये किसी भी ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं देगा ये किसी भी तरीके का बायस को बायस की बात नहीं करेगा यहाँ पर कोई भी स्टेट टाइप को प्रोजेक्ट नहीं करेगा यानी कि ये एक टेक्स्ट बुक इस तरीके से होना चाहिए ये अनबायस्ड होने चाहिए और ये मेनली पॉजिटिविटी को प्रमोट करना चाहिए यहाँ पर किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप को प्रमोट करना नहीं चाहिए यहाँ पर हम डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कल्चरल की भी बात करते हैं यानी कि हमें अगर मल्टीकल्चरल एजुकेशन हासिल करना है तो इसका कारिकुलम में भी हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए यहाँ पर जब एक कारिकुलम होता है ये कारिकुलम मेनली एक फ्रेमवर्क होता है ये एक एक्सा स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा पूरा एजुकेशनल सिस्टम चलता है इस वजह से कारिकुलम में बहुत सारे चीज़ें हमें ध्यान में रख रक, रखनी होती है ताकि हमारा जो स्टूडेंट है जो भी चिल्ड्रेन है वो एक मल्टीकल्चरल एजुकेशन अचीव कर पाए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कौन सी कौन सी चीज़ें इंटीग्रेटेड रखनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर अचीवमेंट को नज़र में रखना चाहिए कि हर जो बच्चा है वो अचीव कर सके अपना गोल किसी को भी बायसली चीज़ें प्रोवाइड नहीं ना की जाए किसी को ज़्यादा फैसिलिटीज ना दी जाए हर किसी को समान हक दे दिया जाए ताकि वो चीज़ें अपने लाइफ में अचीव कर पाए यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो वॉयस है उसको सुना जाए ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी लोग कारिकुलम तैयार कर ले कर रहे हैं उनका ही सिर्फ वॉयस हो यहाँ पर स्टूडेंट्स की भी वॉयस की बात की जाए यानी कि जो भी बच्चे हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं उनका नीड्स क्या है इसके हिसाब से कारिकुलम तैयार होना चाहिए यहाँ पर कम्युनिकेशन होना चाहिए लोगों के बीच में फिर यहाँ का जो लर्निंग एंड टीचिंग स्टाइल है ये मल्टी कल्चर के हिसाब से होना चाहिए यानी कि जो भी टीचर टीचिंग प्रोवाइड कर रहा हो या फिर टेक्स्ट बुक जो भी हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो भी हो ये बहुत सारे कल्चर्स को दिमाग में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए यहाँ पर फॉर्मल कारीकुलम की भी बात की जाती है ताकि एक मल्टी कल्चर का सेंस बने बच्चों में और यहाँ पर हिडन कारिकुलम की भी बात की जाती है जहाँ पर ऐसा कुछ कारिकुलम तैयार करना जो बच्चों तक तो ना पहुंचे लेकिन ये मेनली मल्टीकल्चरल एजुकेशन को ही फुलफ़िल करे। फिर यहाँ पर लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मल्टीकल्चरल एजुकेशन में क्योंकि अगर लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी तभी वो मॉडर्न तरीके से सोचेंगे तभी हम एक दूसरे को टॉलरेट कर सकेंगे अपने कल्चर लैंग्वेज इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी यहाँ पर लिव्ड रियलिटीज की बात की जाती है यानी कि जो भी लोग अपना एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो भी टीचर्स ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे वो अपना लिव्ड रियलिटीज में इसको यूज़ करेंगे उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं जो भी घटनाएं हैं वो सारे घटनाओं से वो लोग सीख लेंगे अब देखते हैं अप्रोचेज टू मल्टी हम हाँ मल्टीकल्चरलिज्म को समझने में बहुत सारे एप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मेनली तीन तरीके का अप्रोच है जो हमें जानेंगे यहाँ पर तीन एप्रोचेस के द्वारा हम मल्टीकल्चरलिज्म को समझ सकते हैं पहला है एसिमिलेशन एसिमिलेशन यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कल्चर है और यहाँ पर जो भी डोमिनेंट ग्रुप होता है डोमिनेंट कल्चर होता है उस ग्रुप के पैटर्न को बाकी जो भी लोग हैं वो फॉलो करते हैं यानी कि यहाँ पर मेनली जो डोमिनेट ग्रुप होता है उसके कल्चर को बाकी सारे कल्चर फॉलो करते हैं और सिर्फ एक ही कल्चर बन जाता है जिसके वजह से हमारा सोसाइटी में और कोई टकराव नहीं रहता है कल्चर को लेके फिर होता है हमारा कल्चरल प्लूरलिज्म यहाँ पर हर कल्चर को अलग अलग रखा जाता है हर कोई अपना सेपरेट कल्चर फॉलो करेगा और एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिक्सअप ना हो इस तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म को प्रोमोट किया जाएगा यहाँ पर हर ग्रुप का अपना एग्जिस्टेंस होगा हर ग्रुप का अपना ट्रेडिशन होगा ताकि कल्चरल प्रूरलिज़म के द्वारा हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन को पा सकें फिर है हमारा आइडियोलॉजी ऑफ वॉलेंटरी कल्चरल चॉइस यानी कि हमारा जो आइडियोलॉजी है वो वॉलेंटरीली हम कल्चर चूज़ कर सके कि हम कौन से कल्चर को फॉलो करेंगे ये हमको चूज करने के लिए दिया जाएगा कि आप कौन सी कल्चर को प्रमोट करोगे कौन सी कल्चर आपके लिए अच्छा है ये सारे चीज़ें हम चॉइस बेस कर सकें लेकिन ये जो तीनों अप्रोचेस है इन तीनों अप्रोचेस का बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है जिसके वजह से ये डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते मैं फिर से बता रहा हूँ एसिमिलेशन यानी कि एक डोमिनेंट ग्रुप को बाकी सारे ग्रुप मिलकर फॉलो करेंगे कल्चरल प्रूरलिज्म में हर ग्रुप अपना अपना आइडेंटिटी बजाय रखकर सेपरेटली अपने ए ए कल्चर को ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएगा और आइडियोलॉजी ऑफ वॉलेंटरी कल्चरल चॉइस में यहाँ पर बच्चे अपना कल्चर को चूज करेंगे वो कौन सी कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं वो चॉइस बेस्ड होगा आशा करता हूँ आज का ये जो क्लास है क्लास आपको अच्छा लगा है अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए जय हिंद